जेडीयू ऑफिस में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे। प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने उन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए विजय चौधरी ने कहा कि जातीय गणना पर सवाल उठना। और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया, उनके ट्वीट की चर्चा बिहार के सियासी गलियारे में हो रही है और पूरे देश में हो रही है। जातीय गणना को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वे इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समान अनुपात की बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि ऐसे लोग रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र ऐसे लोगों में नहीं होता। किसी भी प्रकार की असमानता जो है ये ठीक नहीं है। और इन तमाम मामलों को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है, घेरने की कोशिश विरोधियों को की है, उन्हें घेरने की कोशिश की है जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर अपने तेवर जो है वो अख्तियार किए हुए हैं, बागी तेवर अख्तियार किए हुए और लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो का ये ट्वीट कहीं ना कहीं एक जवाब के तौर पर उनका ये ट्वीट साधारण नहीं है। उसमें इन्होंने एक बड़े मसले का जिक्र किया है कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। अब उनके इस पूरे ट्वीट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और अब आगे देखना होगा कि इस मामले पर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है।